क्या नाम है आपका? सुरेश सोमकर। किस गांव के प्रधान हैं? रनिया ग्राम सभा के। विकास खंड? चनिया। विकास खंड चनिया जनपद चंदौली। विकास के क्रम में इस समय आपके गांव में क्या चल रहा है, क्या विकास कराया आपने? सर, जब से हम शपथ लिए हैं अपने ग्राम सभा में नवनिर्वाचित प्रधान के रूप में, तब से अभी तक 4 चक्रोड का मतलब मरम्मत करवाए हैं मिट्टी से, और एक मतलब नया निर्माण करवाए हैं, और हाँ, और हैंडपम्प रिबोर का कार्य चल रहा है जी। और इसमें एक इंटरलॉकिंग का भी व्यवस्था चल रही है, उसमें मतलब बन गया, ईटा उटा गिर गया है और वो बन रहा है। नया चक्रोड जो बनवाए हैं जी, वो कितने मीटर है? 120 मीटर की लंबी फेंकी जाती है मिट्टी सर, उसमें 1 मीटर ऊंचाई उसका दिया गया है। 1 मीटर ऊंचाई जी, मतलब एक मतलब उसमें जैसे है ना, 3 मीटर ऐसे है हाँ। चौड़ाई है, और उसके बाद 3 फुट के कनियर बहुत ऊंचाई दिया गया है, ऊंचा किया गया है। ऐसा हो सकता है? आगे बढ़िए। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में क्या कमी खटकती है, क्या क्या चाहिए गांव वालों? हमारे ग्राम सभा में सर आवास के लिए बहुत लोग परेशान हैं, उनको आवास मिल जाना चाहिए हाँ। और इंटरलॉकिंग और सोलर डस्टबिन हाँ। और हमारे यहाँ सर एक ग्राम सभा रैया में एक मलहिया ग्राम सभा मतलब वो है हाँ। वहाँ पे कम से कम 200 लोग वोटर हैं, और वहाँ पर एक बहुत समस्या यह है कि सर उनको विवाह मंडप अगर बन जाता तो उन लोग को बहुत सुविधा हो जाता। क्या इन सब चीज़ों के लिए आपके गांव में पर्याप्त जगह है? जी है, हमारे ग्राम सभा में वहाँ पर जहाँ हम कह रहे हैं बनाने के लिए, वहाँ पर 2 बीघा के नियर अबाउट एक जमीन है, मतलब आबादी के तौर पे। अच्छा। जो मतलब बंजर है हाँ। उसको अवैध रूप से लोग कब्जा किए हैं, अगर उसको हटा करके वहाँ पर अगर वो सुविधा अगर मिल जाता तो लोग लाभान्वित होते। कब्जा हटवाना चाहते, इसके लिए लेखपाल से आपने बात की? लेखपाल तो सर हमारे यहाँ एक बिना लेखपाल थे, जब से हम प्रधान हुए उनसे कम से कम 10 बार हमने फोन किया कि लेखपाल साहब आप हमसे मिल लीजिए, आप हमको बता दीजिए कि आप कहाँ मिलेंगे, हम ही मिल लें। लेकिन वो तो सीधा बोलते हैं कि मतलब आप प्रधान हुए हैं तो इससे क्या मतलब, हम आएंगे ना, हमारी ड्यूटी जब होगी तब आएंगे, एक बार भी नहीं आए। लेखपाल से शिकायत है आपको? और हम SDM साहब से जाकर शिकायत किए हैं तो बोले हैं कि इनका निराकरण हम करेंगे, हटा देंगे, बोले हैं कि मतलब आपको अगला। प्रधान जी ये बताइए आपके गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? हमारे सर ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र 2 चल रहे हैं। एक बिल्डिंग सर वही मतलब प्राथमिक विद्यालय में है? नहीं है, बिल्डिंग नहीं है ना? नहीं, अलग से नहीं है। हाँ ठीक। पंचायत भवन है? पंचायत भवन एक बना है सर, वो भी अभी जर्जर जर्जर है। बारात घर? बारात घर एक बना है सर रैया ग्राम सभा में, और वहाँ पर भी उसकी छत मतलब छू रही है, वो भी जर्जर है। और सामूहिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय सर अगले प्रधान जी ने बनवाया है, उसको अधूरा छोड़े हैं, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। पंचायत भवन? पंचायत भवन सर पहले का बना है, 85 साल पहले जर्जर छोड़ा। ये सब पोजीशन आपके गांव में है? और हमारे ग्राम सभा में सर एक समस्या है, बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी या मतलब तहसील से कोई भी कर्मचारी मतलब रैया ग्राम सभा में हमने निवेदन भी किया, मतलब कोई कदम ही नहीं रखा है, कोई कदम नहीं रखा है कि बहुत से लोगों का सर फसल नुकसान हुआ है। तो फसल नुकसान हुआ, लेखपाल आपके गांव में आया? आया ही नहीं सर अभी तक, आया ही नहीं। नहीं तो क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी प्रधान जी आप लोगों को? क्या आप वही तो सर हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। प्रधान ग्राम पंचायत की मुख्य इकाई होता है, तो आपके पास पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ने डोंगल दिया है जी, वह डोंगल किसके पास है? वो हमारे पास है सर। उसका यूज करने की ट्रेनिंग मिला ब्लॉक से आपको? उसका अभी तक सर देखिए यूज करने का अभी तक हम लोग को कोई परीक्षण नहीं हुआ है, एक बार परीक्षण हुआ था यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में कि प्रधान लोगों का प्रशिक्षण है, तो वहाँ पर हुआ, लेकिन नेट सर्वर चला नहीं, इसके वजह से हम लोग बैठे हुए थे, अपने आप लोग फॉर्मेलिटी पूरा करके चले गए। चले लगवा रहे हैं वर्तमान में खड़ंजा लगवा रहे हैं जी, ठीक है जी, तो उसमें कौन सा ईंट का प्रयोग कर रहे हैं? हम तो सर नंबर 1 का मंगवाए हैं,
और उसी ईंट से अपना कर। तो आप स्वयं भट्टे से लाए, कहाँ से आ गए? हम स्वयं भट्टे से मंगवाए हैं। तो प्रधान जी फर्म ने देती है आपको? कौन सा भट्टा है, कौन सा फर्म है? भट्टा ये सर भारत भट्टा के नाम से बैराट में चलता है। उसी से मंगाए आप जी? पैसा दे दिए हैं? अभी पैसा नहीं दिए सर। अच्छा, तो पैसा तो आप डोंगर से ही देंगे कि पैकेट से देंगे? नहीं सर, वो तो डोंगर से दिया जाएगा। ये सब काम कैसे खर्चा कर रहे हैं? अपने व्यवहार पे मंगाए हैं, बोले कि जब काम हो जाएगा तो होता है ना, जय साहब आएंगे और लोग आएंगे। व्यवहार से आपको पैसा मिल जाता है? नहीं, पैसे की जो बात है सर, व्यवहार से नहीं। इस समय जो मंगाए हैं तो बिछवाएंगे, उसको अभी कम्प्लीट करवा लेंगे, तो इसके बाद वो लोग आएंगे, जय साहब आएंगे, सभी लोग आएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। चलिए, मदद सर मतलब उनके कोई भी मतलब दुख सुख होता है वहाँ पर हम हाजिर हो जाते हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है लेकर के अपना तहसील से लेकर के जिला तक अपना पहुँचाते हैं और ऊपर अधिकारी लोगों से मांगते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी इस गांव के, अभी बाढ़ में डूबा था, अभी तक कोई नहीं, और लेखपाल आया नहीं, एकदम नहीं सर, कोई नहीं गाँव कोई। जबकि हमने निवेदन भी किया कि मतलब वो आकर के देख ले। हमें लग रहा है कि सर कम से कम 300 बीघे के करीब जलमग्न हो चुकी है, यहाँ की फसल नष्ट हो गई है। फसल नष्ट हुई है सर। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ऊपर अगर किसी को अगर माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, बताइए सर? उनसे हम यही निवेदन कर रहे हैं कि जो हमने समस्या बताया, अगर उसको दोहरा भी रहे कि हमारे ग्राम सभा में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं, जितने लोगों की नुकसान हुई, उसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। एक निवेदन है कि अगर ऐसी समस्या अगर विकट परिस्थिति अगर आती है तो उसमें कम से कम उनके जो अधिकारी उच्च अधिकारी है वो आकर के कम से कम ग्राम सभा का निरीक्षण तो कर ले, लोगों को शांति तो मिले, सांत्वना तो दे दें। लेकिन अभी तक किसी को मतलब पता था नहीं चलता है कि कोई आवे या नहीं आवे। प्रधान जी, आप ग्रामवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? सर, अपने ग्राम सभा के ग्रामवासियों को ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि वो खुली बैठक में आकर के अपनी समस्याओं को अवगत कराएं, ताकि आगे हम और अपने माध्यम से उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास पहुंचा सकें। अमूमन देखा जाता है कि प्रधान लोग पिछले प्रधानी में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, 15 साल से विकास नहीं हुआ जी, ठीक है जी, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया जी। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इस मुद्दे पर हम यही कहना चाहते हैं कि जनता ने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। जनता ने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अगर इसका अगर बखूबी से अगर सरकार अगर निर्वहन करे तो हम अगली कदम पर चल करके हम उसका विकास करेंगे। ये सड़क जो है, ये क्या चक्रोड है कि नाली है? ये मुख्य सड़क से नाम बताइए आपने, मुख्य सड़क से कहाँ?